आज हम लोग हैं इंदौर के सबसे फेमस मार्केट में, जिसका नाम है सराफा मार्केट। और यहाँ पे पूरी स्ट्रीट फूड्स की स्टॉल लगी रहती है, जिसमें से एक शॉप है जिसका नाम है आदेश साई पराठा। आज हम लोग यहीं से पराठा ट्राई करने वाले हैं इनके यहाँ का। आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, और लोग बाग फैमिली के साथ आते हैं, और जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं वो भी खाते हैं, क्योंकि रात के 2 बजे तक खुला रहता है। तो चलिए भैया से बात करते हैं। राम शर्मा भैया, क्या क्या बनाते हो आप यहाँ पे? पराठे बनाते हैं अलग अलग प्रकार के। अच्छा, कौन कौन से पराठे रहते हैं भैया यहाँ पे? सब अलग अलग है, साई है, सेव है, आलू है, पनीर है, चीज़ है। इनकी प्राइस क्या रहती है भैया? अलग अलग है, 60 से स्टार्ट है और 200। साई पराठा बेस्ट है अपना, साई ज़्यादा। दुकान कितने बजे खोलते हो आप यहाँ पे? दुकान 9 बजे रात। 9 बजे और कब तक रहती है? 2 बजे तक। सर्व किसके साथ करते हो पराठे? लहसुन प्याज की चटनी, होम मेड, और अचार है और केचप। क्या उसकी मसाला बनाना है? क्या भैया ये? मिक्स मसाला। अंदर सेव डालते हो पहले? हाँ भैया। ये क्या भैया? टमाटो केचप। टमाटो केचप। ये क्या भैया? ये भी टमाटो केचप है, दूसरी का। यहाँ पे मैंने 2 केचप यूज किया है, जो दोनों ही अलग अलग ब्रांड के हैं, ताकि टेस्ट अच्छा है। तो सारे पराठे में ही डालते हो क्या? हाँ। इनके जितने भी पराठे हैं उन सबके पराठों के अंदर इनका भी ये सेव का मसाला ये जरूर डालता है, और आप लोग जानते हो इंदौर वाले सेव बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये लोई कट चुकी है, और ये जो लोई है ये आटे की है, मैदा यूज़ नहीं करते भैया, क्योंकि मैदे से भैया का कहना है कि पेट खराब हो जाता है। ये क्या भैया? आलू। भैया ये अग्रवाल जी वाला आ गया क्या? हां आ गया। हां जी मालूम दे। ये क्या भैया? चीज पनीर। अच्छा पनीर है ये। दस वाली है सर। भैया दोस्तों, हमारा जो पराठा वो लग चुका है। इसके साथ आप लोगों को 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, केचप, अचार और इनकी जो होममेड लहसुन की चटनी है वो है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसके अंदर आप लोगों ने देखा है बहुत कुछ डाला हुआ है, पनीर, सेव और इन सब बहुत मसाले डले हुए हैं इसके अंदर। तो फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं और जानते हैं कैसा है इसका टेस्ट। तो सबसे पहले मैंने केचप के साथ टेस्ट किया, तो केचप के साथ यार बहुत सही टेस्ट आया इसका। हल्का सा मुझे इस पे जो मीठापन वो इसलिए वजह से हो सकता है क्योंकि मैंने केचप के साथ ट्राई किया। अब अचार के साथ भी यार ट्राई कर लेते हैं इसको, तो यार अचार के साथ भी अच्छा टेस्ट है। अब फटाफट से यार इसके लहसुन की जो चटनी है उसके साथ ट्राई करने वाले, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया हो। तो यार सही में गजब मज़ा आ गया। ये लहसुन की चटनी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग कभी भी इंदौर आओ और सराफा मार्केट आओ तो यहाँ पर एक बार ज़रूर ट्राई करना।